आईपीएल 2024 निलामी दुबई में आरंभ होता बेले सबुठारु महंगा खेलाड़ी सब्यस्त होती बैट कमिंस एवं देखा मिली जे सबुठारु महंगा खेलाड़ी सब्यस्त होगा ऑस्ट्रेलिया खेलाड़ी बैट कमिंस को सर्वाधिक 20.500 कोटी किणला सनराइजर्स हैदराबाद 20.50 कोटी टंकार किणला सनराइजर्स हैदराबाद 2024 आईपीएल सीजन पर दुबई में निलामी आरंभ होता बेले पैट कमिंस इतिहास रचिंट कमिंस का बेस प्राइस 2 कोटी रही बेले आरंभ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य कड़ा टक्कर देखा मिलता शेष में 20.50 कोटी टंकार कमिंस को नहीं सनराइजर्स हैदराबाद कमिंस का परे भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल को 11.75 कोटी टंकार किणी किंग्स इलेवेन पंजाब आईपीएल रे कहा को किणला किए नजर पकाइबा पैट कमिंस सबुठ महंगा खिलाड़ी होती 20.50 कोटी टंकार किणला हैदराबाद सनराइजर्स एवं यहाँ देखा तो सबुठ महंगा खिलाड़ी होती पैट कमिंस जहाँपर हर्षल पटेल को 11.75 कोटी किणला पंजाब हर्षल पटेल को 11.75 कोटी किणला पंजाब आईपीएल रो आईपीएल सीजन 2024 दुबई में निलामी प्रक्रिया आरंभ होता बेले पैट कमिंस सब महंगा खिलाड़ी होती जहाँपर हर्षल पटेल रही यहाँ शार्दुल ठाकुर चेन्नई टीम को फेरिले शार्दुल ठाकुर 4 कोटी टंकार किणला धोनी टीम शार्दुल ठाकुर यहाँ देखा तो डैरिल मिचेल मिचेल को 14 कोटी किणला चेन्नई डैरिल मिचेल को 14 कोटी किणला चेन्नई आईपीएल रो निलामी प्रक्रिया रे मिचेल को 14 कोटी किणी चेन्नई चेन्नई टीम को शार्दुल ठाकुर फेरी एवं डैरिल मिचेल जहाँ को 14 कोटी किणी चेन्नई वेस्ट इंडीज रो ऑलराउंडर रोमन पावेल को 7.40 कोटी टंकार किणला राजस्थान रॉयल्स वेस्ट इंडीज रे ऑलराउंडर को 7.40 कोटी टंकार किणला राजस्थान रॉयल्स रोमन को किणी यहाँ देखा तो हैरी ब्रुक 4 कोटी टंकार किणी दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल रे को खेलाड़ी को मिलला केते किंबा किए किणला केते दाम रे तापर नजर पकाइबा तो हैरी ब्रुक को 4 कोटी टंकार किणी दिल्ली कैपिटल्स हैरी ब्रुक को 4 कोटी टंकार किणी दिल्ली कैपिटल प्रथम थर पर विदेश में निलामी प्रक्रिया अनुष्ठित होता बेले 23 स्लॉट पर निलाम सामिल होती 333 जन खेलाड़ी आईपीएल इतिहास रे महंगा खेलाड़ी सब्यस्त हेले ऑस्ट्रेलिया खेलाड़ी पैट कमिंस पैट कमिंस को सर्वाधिक 20.50 कोटी किणला सनराइजर्स हैदराबाद 2024 आईपीएल सीजन पर दुबई में निलामी आरंभ होता बेले पैट कमिंस इतिहास रचिंट कमिंस का बेस प्राइस 2 कोटी रही आरंभ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य कड़ा टक्कर देखा मिलता शेष में 20.50 कोटी टंकार कमिंस को नहीं सनराइजर्स हैदराबाद 20.50 कोटी सनराइजर्स हैदराबाद किणी पैट कमिंस को एवं एही बोलर को प्रथम थर देखा मिली जे ऑलराउंडर कर जो रही है डिमांड आईपीएल रे निलामी प्रक्रिया समय से ही समय देखा मिली ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस जहाँ को 20.50 कोटी टंकार किणी सनराइजर्स हैदराबाद कमिंस का परे भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल को 11.75 कोटी टंकार किणी किंग्स इलेवेन पंजाब से हीपरी प्रथम पर्यायर निलामी वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर रोमन पावेल को राजस्थान रॉयल्स 7.40 कोटी टंका हैरी ब्रुक को 4 कोटी टंकार किणी दिल्ली कैपिटल प्रथम थर पर विदेश में निलामी प्रक्रिया अनुष्ठित एवं 23 स्लॉट पर निलाम 333 जन खिलाड़ी सामिल होती किवीर ऑलराउंडर डैरिल मिचेल को 14 कोटी किणला चेन्नई कमिंस एथर सबुठारु दामी खिलाड़ी आईपीएल 2023 पर निलामी प्रक्रिया दुबई में अनुष्ठित होता बेले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस जहाँ को किणी सनराइजर्स हैदराबाद 20.50 कोटी टंकार कमिंस को किणी सनराइजर्स सबुठारु महंगा खेलाड़ी पैट कमिंस 20.50 कोटी टंकार किणला हैदराबाद आईपीएल सबुठारु महंगा खेलाड़ी हेले पैट कमिंस
20.50 कोटी टंका रे किनिला सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ परे रहिछंती हर्षल पटेल, भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल जहाँ को 11.75 कोटी टंका रे किनिछि किंग्स इलेवेन पंजाब। से परी प्रथम पर्याय निलामी रे वेस्टइंडीज ऑलराउंडर रोमेन पावेल को राजस्थान रॉयल्स 7.40 कोटी टंका रे किनिछि। हैरी ब्रुक को 4 कोटी टंका रे किनिछि दिल्ली कैपिटल्स। प्रथम थर पर विदेश रे निलामी प्रक्रिया अनुसूचित होता बेले 73 स्लॉट पर निलाम रे शामिल होते 333 खिलाड़ी। आईपीएल 2024 आईपीएल सीजन पर दुबई रे निलामी प्रक्रिया आरंभ होता बेले पैट कमिंस इतिहास रचिंट इस संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित अभिषेक त्रिपाठी अच्छा स्पोर्ट्स एडिटर दैनिक जागरण। अभिषेक जी स्वागत है आपका कनक न्यूज़ में। आईपीएल की ये नीलामी प्रक्रिया पर प्रोसेस पर जिस पर सभी की नज़र थी सारे क्रिकेट फैंस की, तो 2024 के आईपीएल सीजन में पैट कमिंस जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर हैं हमेशा देखने को मिलता है, ऑलराउंडर जिनका दबदबा रहता है जिनका डिमांड रहता है, इस बार बॉलर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आए हैं, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ज्यादा पैसे इनके ऊपर खर्च कर दिए गए हैं और एक परसेप्शन भी बन जाता है, उस परसेप्शन के हिसाब से कमिंस जो है लास्ट ईयर आईपीएल से उन्होंने नाम वापस ले लिया था, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई अपनी टीम को, वर्ल्ड कप जिताया, एसेज रिटेन किया, तो एक मुझे लगता है कि शायद सनराइजर हैदराबाद अपना नया कप्तान भी ढूंढ रही हो तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो बहुत और ये नीलामी एक इस हद तक चली कि एक समय आरसीबी ने 20.25 करोड़ रुपए का नीलामी लगा दी थी, उनका पर्स भी 23 करोड़ के आसपास था। अगर ये प्लेयर हैदराबाद को ना मिलके अगर आरसीबी को मिलता तो आरसीबी उसके बाद और कोई खिलाड़ी खरीदने की स्थिति में भी नहीं नजर आती। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन की लड़ाई चली और कमिंस ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप जिताया तो उनकी कप्तानी ने भी इसमें एक अहम रोल निभाया है। जी तो अभिषेक जी आप क्या देखते हैं कि उन्हें एक बॉलर के हिसाब से लिया गया है या ऑलराउंडर के हिसाब से लिया गया है, इतना दांव लगाया गया है उन पर, बॉलर या ऑलराउंडर के नाते लिया गया है पैट कमिंस को? मुझे लगता है कप्तान के नाते उनको लेने की कोशिश की गई है और एक क्योंकि वो उनकी कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया ने एसेज रिटेन करी, उनकी कैप्टेंसी में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते, उनकी कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप जीते इंडिया में ही, तो मुझे लगता है कि कप्तान जो बॉलिंग कर सकता है इस नाते उनको लिया गया। तो उनकी कप्तानी पर उतना भरोसा कर आईपीएल में उनको सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर सामने रखा गया है उनकी कैप्टेंसी पर डिपेंड करके, और जो पिछला इस बार के सीजन के वर्ल्ड कप में विजय को देखकर भी ऐसा किया गया है। बिल्कुल, ऐसे खिलाड़ियों पे आईपीएल टीमें बहुत ज्यादा दांव लगाती हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया होता है, खासतौर से जब नीलामी के ठीक पहले जो टूर्नामेंट हुए होते हैं उनमें जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होता है तो उन पे ज्यादा नीलामी लगती है, तो इसलिए मुझे लगता है कमिंस पे दांव लगा है। इस बार देखे तो विश्व कप में भारत का भी प्रदर्शन उम्दा था, लेकिन पैट कमिंस पर कैसे इतना भरोसा किया गया? ऑस्ट्रेलिया टीम से है, बेहद अच्छी तरह से उनका प्रदर्शन भी रहा, पर एक बॉलर है, स्पेशलिस्ट बॉलर है, उसके साथ ही कैप्टेंसी किया था उन्होंने, पर उन पर इतना भरोसा, उन पर इतना दांव, लेकिन भारतीय प्लेयर्स भी अच्छे थे, अच्छे फॉर्म में थे, इस बार सारे मैच भी जीते थे भारत, लेकिन एंड में वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है उस समय भारत हार गया, लेकिन सारे मैचेस में सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस तो अच्छे ही थे। भारतीय टीम में जो भारतीय टीम में परफॉर्मर है वो तो ऑलरेडी टीम में है ही है, वो तो मिनी नीलामी में नहीं गए ना, जो सिर्फ शार्दुल ऐसे थे जो मिनी नीलामी में गए, बाकी तो जो भारतीय टीम के प्लेयर थे वो तो किसी ना किसी टीम में है, वो मिनी नीलामी में नहीं थे। जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे वो मिनी नीलामी में, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया चाहे वो वेड हो चाहे वो कमिंस हो, तो इसलिए उनके ऊपर गए। जो भारतीय सबसे पहले तो भारतीय परफॉर्मर पे ही दांव लगाया जाता है, लेकिन जो भारत के तो जो बेस्ट परफॉर्मर है वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी टीम से जुड़े हुए हैं।
तो पैट कमिंस के इस बार कैप्टन होने के क्या संभावना देखते हैं, क्या चांसेस देखते हैं आप? ये तो प्रबंधन एसआरएच का तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एसआरएच जो है वो मार्करन की जगह नया कैप्टन ढूंढ रहा था, और अगर उनको पैट कमिंस नहीं मिलते तो मार्करन ही कप्तान रहते। अब पैट कमिंस मिल गया तो शायद पैट कमिंस को वो कप्तान बनाए। पैट कमिंस पर नजर अटकी हुई है, उन्हें कैप्टनसी मिल भी सकती है। आईपीएल के इस इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं पैट कमिंस, तो इस बार का जो प्रदर्शन था, ये परफॉर्मेंस रहा था, उसी हिसाब से पैट कमिंस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दाव लगाया गया है 20.50 करोड़ का आईपीएल में। अभिषेक जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है कि हैदराबाद की सोच रही होगी। आरसीबी भी उनको टक्कर दे रहा था, आरसीबी को भी एक तेज बॉलर की जरूरत थी, पर आरसीबी भी 20 करोड़ से ऊपर तक बिड लगाई उसने, तो मुझे लगता है कि एक और खास तौर से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को लेके हम लोग थोड़ा बैज रहते भी हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पर से ज्यादा दाव लगता भी है। जी शुक्रिया सारे चर्चाओं के लिए। हमसे तो थिले अभिषेक त्रिपाठी, स्पोर्ट्स एडिटर दैनिक जागरण। एवं आईपीएल इतिहास रे महंगा खिलाड़ी साबित होती पैट कमिंस, आगो को कार्यभार दिजाऊँगी तापर मध्य नजर रही कैप्टेंसी मिल पाए ना नहीं तापर मध्य नजर रही, जेहेतु सबुठ महंगा खिलाड़ी साबित होती 20.50 करोड़ किणला सनराइजर्स हैदराबाद।